English, Maths, Social Science. Yes. Homework complete है? हाँ पापा. पापा आपने कल जो मेरा मैथ्स का होमवर्क किया था पूरा रॉन्ग था. टीचर ने मुझे एक बहुत बड़ा सा जीरो दिया और कल इसलिए मैंने अपना होमवर्क खुद किया. वेरी गुड. यही तो मैं चाहता था. पापा आपको मैथ्स आती नहीं है. हाँ पर आपकी ड्राइंग अच्छी है, उसमें मुझे हमेशा वेरी वेरी गुड मिलता है. बिट्टू 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 जल्दी करो बेटा, फिर से देर हो जाएगी. मम्मी मैं तो रेडी हूँ, आप ही देर कर रही हो. मम्मी मेरा टिफिन. वो तो किचन में ही रह गया, अब भी लेकर आती हूँ. बेटा जरा होशियार है ना, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारी मम्मी तुम्हें ही भूल कर आ जाए. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. अच्छा तो आपकी गुड मॉर्निंग अब हुई है. अरे तुमसे अच्छा तो ये बिट्टू है, सुबह 5 बजे उठ जाता है. भैया प्लीज सुबह सुबह शुरू मत हो जाना. भाभी ये लो बेटा, जल्दी से इसको रखो अपने बैग में, बुक्स रखो जल्दी से. भाभी चलो आज. भाभी भाभी. हाँ राज बोलो. एक कप चाय मिलेगी? सॉरी बिट्टू की बस आने वाली है और वैसे ही बहुत देर हो गई. हाँ चलती हूँ. चलो बिट्टू. लगता है स्कूल बस मिस हो गई. ऑटो ऑटो. भैया इसको BCG स्कूल छोड़ देना. हाँ बाय बाय. क्या बात है भाभी, कुछ घबराई हुई लग रही है. नहीं कुछ भी तो नहीं. क्या बात है भाभी, कुछ छुपा रही हूँ. आपकी सांस उखड़ गई है, पसीना आ रहा है. वो
चक्कर सा आ गया था, बाहर बहुत धूप है ना इसलिए वो। तो धूप में जाने की जरूरत क्या थी, मुझसे कहा होता बिट्टू को छोड़ने मैं चला जाता। क्या बात है राजन? अपनी भाभी को मस्का लगाया जा रहा है, कुछ पैसे वैसे चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो बस ऐसे ही। तुम रहने दो, अपने देवर की ज्यादा तरफदारी मत करो। मैं देख रहा हूँ कि आजकल इसकी जरूरतें कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है, हमेशा इसी जोड़ तोड़ में लगा रहता है कि रुपया कैसे हासिल किया जाए। माफ कीजिए लेकिन रुपया हासिल करने के लिए मुझे किसी को मस्का वस्का लगाने की जरूरत नहीं है। रुपया किससे और कैसे हासिल किया जाए ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। देख लिया अपने नारे के तेवर। आप भी खामखा उसके पीछे पड़ जाते हैं। और तुमने खामखा इसे सर चढ़ा रखा है। तो क्या हुआ, मेरे लिए तो बिट्टू की तरह है ना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा बिट्टू इसके जैसा हो। हेलो हेलो, अरे कौन है भाई? लगता है किसी को मेरी आवाज पसंद नहीं आई। एनीवे मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय। कौन बोल रहा है? Come on, ज्योति डार्लिंग, आवाज भी भूल गए? तुम? तुम्हें मेरा पता कैसे चला? पता लगा है, स्वीट हार्ट, बड़ी मुश्किल से पता लगा है। मैं सब जानता हूँ, सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारे पति के बारे में भी, तुम्हारे प्यारे प्यारे बेटे बिट्टू के बारे में भी। बिट्टू? बड़ा प्यारा बच्चा है, बिल्कुल तुम पर गया। क्या चाहते हो? वैसे तो मैं तुम्हें चाहता हूँ स्वीट हार्ट, लेकिन इस वक्त मेरी जरूरत मेरी चाहत से ज्यादा बड़ी है, और जो सिर्फ तुम पूरी कर सकती हो। मैं? हाँ तुम, करोड़ों की मालकिन हो तुम, पति भी बहुत पैसे छाप रहा है। नहीं ओ, तो तुम्हें रुपए चाहिए? बिल्कुल सही समझी। अगर मैं ना दूं तो तुम जानती हो मैं क्या करूंगा? मुझे ब्लैकमेल करोगी? नहीं स्वीटा, तुम तो मेरी जान हो। एक और हथियार है मेरे पास, तुम्हारा बेटा बिट्टू। थिंक ट्वाइस। बिट्टू, तेरे डैडी पिकनिक पे भेजेंगे ना? नहीं यार, मेरे पापा मुझे कहीं भी अकेले नहीं भेजते। अकेले काम में तो पूरी क्लास जाएगी ना। अगर वो मुझे पिकनिक पे भेजेंगे तो खुद भी साथ चलेंगे। देखो पता नहीं यार उनका नेचर। वो एक बड़े को गोला खाएगा ना ब्रो? नहीं यार, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या यार, तेरे डैडी पॉकेट मनी में देते? ऐसा नहीं है यार, वो कहते हैं बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए। और अगर कोई फ्री में दे तो? नो अंकल, थैंक्स। ले लो बेटा, तुम्हारे पापा से नहीं कहूंगा, इसे चुपचाप यहीं खा लो। लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। मैंने कहा ना बेटा, ये बिल्कुल फ्री है। सच अंकल, थैंक यू। बॉस तोता मिर्ची खा चुका है।
मिट्टू क्या हुआ? मिट्टू, मिट्टू, मिट्टू क्या हुआ? मिट्टू, मिट्टू, मिट्टू क्या हुआ? मिट्टू, मिट्टू, मिट्टू क्या हुआ? क्या हुआ मिट्टू, मिट्टू? क्या बात है? आप लोग हटिए, क्यों भीड़ लगा रखी है आपने? हटिए। ओह माय गॉड, इसे तो फौरन हॉस्पिटल ले जाना होगा। वार्ड बॉय, जल्दी स्टेशन चलाओ। बेटा ठीक हो जाएंगे आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, अभी आपको दवाई देंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक मिनट लाओ बेटा, चलो चलो चलो, उठाओ इसे, संभाल के चलो जल्दी। वेरी गुड, चलो संभाल के। अंकल आप इसे काले जा रहे हैं? हॉस्पिटल बेटा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना। चल 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 जल्दी, चल आओ जल्दी। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। आप इस तरह सड़क पर क्यों खड़े? एक्सीडेंट हो जाता तो? अंकल वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं फ्रेंड को लेके गए। किसको? अंकल बिट्टू, वो मेरी क्लास में पढ़ता था, वो अचानक बेहोश हो गया, उसको ना हॉस्पिटल लेके गए। पूरा नाम क्या है बिट्टू का? निमय, हमारे पड़ोस में रहता है, उसके डैडी का नाम संजय माथुर है। संजय माथुर, कलावती हॉस्पिटल। देखिए मैं संजय माथुर बोल रहा हूँ, मेरा 10 साल का बेटा बिट्टू, मेरा मतलब है निमय माथुर, निमय माथुर, क्या वो आपके अस्पताल में एडमिट किया गया है? जी जी नहीं। देखिए आप एक बार फिर चेक कीजिए, कंफर्म करके बताइए। व्हाट आयुष हुआ? हेलो हेलो, मेरी बात तो हेलो, वो भाभी नहीं है। हे भगवान, इसने कहाँ होगा हमारा बिट्टू? पता नहीं उसे कौन से हॉस्पिटल में एडमिट किया होगा। सर मैंने सारे अस्पतालों में पूछताछ की, लेकिन वहां पे तो किसी को भी एडमिट नहीं किया गया। ऐसे कैसे हो सकता है? जब एम्बुलेंस उसे लेके गई थी तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी अस्पताल में एडमिट हुआ होगा। भैया ऐसा भी हो सकता है कि उसे किसी प्राइवेट क्लिनिक में एडमिट किया गया हो। नहीं मिस्टर राजन, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या? राहुल का कहना है कि किसी अजनबी ने बिट्टू को आइसक्रीम खिलाई, वो आइसक्रीम खाकर बिट्टू बेहोश हो गया और कुछ ही देर में वहां डॉक्टर पहुंच जाता है। डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां पर एक एम्बुलेंस भी प्रकट हो जाता है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता मैडम। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? क्या बिट्टू को? जी हाँ। आपके बिट्टू का किसी ने किडनैप कर लिया होगा। बिट्टू को किडनैप कर लिया? ज्योति जी, अगर वो डॉक्टर और एम्बुलेंस असली थे तो उन लोगों को आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। वैसे भी बच्चे के स्कूल के बैच पर घर का फोन नंबर और एड्रेस तो पूरा लिखा हुआ था।
लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगर किसी ने वाकई बिट्टू को किडनैप किया है तो उन्हें अभी तक हमें फोन क्यों नहीं किया? अभी तक हमें कोई फोन नहीं आया है। भैया शायद फोन आने वाला हो। आपके साथ दूसरी कार लाइन में आप उठाना जब मैं उठाऊंगा। हेलो हेलो पापा। बिट्टू बिट्टू बेटा बिट्टू का फोन है। अब बेटा पापा मुझे यहाँ से ले जाइए। बिट्टू बेटा कहाँ है तू? कहाँ से बोल रहा है? पापा मैं बिट्टू क्या हुआ मेरे बिट्टू को संजय। हेलो बिट्टू हेलो लाइन काट दी सर। कॉल ट्रेस होने के पहले ही लाइन डिस्कनेक्ट हुआ। ठीक तो है ना? पता नहीं ज्योति शायद वो कहाँ है बिट्टू? संजय बिट्टू कहाँ है? मेरे ख्याल से बिट्टू किसी तरह उन लोगों से नजर बचाकर हमें फोन करने में कामयाब तो हो गया था, लेकिन इसके पहले वो कुछ कह पाता उन लोगों को पता चल गया। इसका मतलब बिट्टू किसी के कैद में है। मिस्टर संजय आपने गौर किया था जब बिट्टू आपसे बात कर रहा था तो उसके पीछे कोई शोर, कुछ अलग प्रकार की कुछ आवाज आपको सुनाई दे रही थी? जी हाँ, जैसे कोई हवाई जहाज टेक ऑफ होता है या फिर लैंड करता है। एग्जैक्टली वो हवाई जहाज का शोर था। उसके साथ कुछ और भी आवाजें थी, जैसे गाड़ी स्टार्ट होना, ठोक पीट की आवाज जैसे किसी मोटर गैराज में होती है। यस इंस्पेक्टर, आई थिंक यू आर राइट। इसका मतलब है बिट्टू को एयरपोर्ट के आसपास के किसी मोटर गैराज में रखा गया या तो मोटर गैराज के आसपास। पांडे पता लगाओ एयरपोर्ट के अगल बगल में कितने मोटर गैराजेस हैं। यस सर। और मुझे यकीन है कि वही व्हाइट एम्बुलेंस जिसमें बिट्टू को ले जाया गया था हमें वही मिलेगी। हम सही जगह पर आ गए। मानू बिट्टू यही था और ऐसा लगता है कि उसे बहुत जल्दी में यहां से ले जाया गया। लेकिन सर एम्बुलेंस तो बाहर ही थी। जानबूझकर, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था कि एम्बुलेंस के बारे में पुलिस सब कुछ पता लगा लिया और उसकी तलाश में भी। लेकिन सर अगर वो लोग यहां से अचानक भागे तो उन्होंने अपने बॉस से जरूर इन्फॉर्म किया होगा और शायद इसी टेलीफोन से। हेलो आपका फोन चालू है? हाँ हमारा फोन तो फर्स्ट क्लास चलता है। बाबू साहब आपके यहाँ से कंप्लेन आई थी, हम MTNL से बोल रहे हैं यादव। नहीं दिख रहा, हमने कोई कंप्लेंट नहीं भेजा है। अच्छा साहब ये फोन किसके नाम पर है? हाँ फोन तो वो घर का मालिक संजय माथुर का नाम पे। संजय माथुर? हाँ लेकिन वो अभी है ना इधर में नहीं है, उसको बुलाना पड़ेगा। अच्छा कौन? बात नहीं, आप कौन बोल रहे हैं साहब? हमारा नाम एडवोकेट बाटली वाला है। लेकिन हमारा नाम से तुमको क्या काम है?
हेलो हेलो एडवोकेट बाटली वाला